भारत ने मंगलवार को मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात के लिए 4 नेवल शिप इंडिया से रवाना किया है, जो कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण फंसे भारतीयों को वापस लाने का काम करेगी। INS जलसभा और INS मगर 8 मई तक मालदीव पहुंच जाएगी, जबकि INS शार्दुल और INS एरावत 10 मई तक UAE पहुंच जाएगी। पहले चरण में करीब 700 से 1000 लोगों को मालदीव से भारत लाया जाएगा। एक रक्षा सूत्रों के मुताबिक UAE में पश्चिम भारतीय तटों से फुजैरा बंदरगाह तक पहुंचने में लगभग 3 दिनों का वक्त लगता है और दुबई के अली बंदरगाह तक पहुंचने में लगभग 4 दिनों का वक्त लगता है। INS जलसभा UAE से पहले चरण में करीब 1000 लोगों को भारत लाने का काम करेगी। सोमवार को ही भारतीय गृह मंत्रालय ने घोषणा किया था कि कोविड-19 के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फंसे हजारों भारतीयों को 7 मई से भारत लाने की प्रक्रिया आरंभ कर दिया जाएगा। अपने लोगों को वापस लाना यह भारतीय सरकार के द्वारा एक सराहनीय कदम है।